वेलकम टू K2V2 ब्लॉग। आप सभी को हैप्पी छोटी 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 दिवाली। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज और आज है हम अपने नए घर में। आज है बच्चे अपनी नानी के घर में, हम लोग अपने मेरी मम्मी के घर में, बच्चों की नानी के घर में। होली कह रही हूँ, दिवाली मनाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए अभी हमने अपना दिवाली डे, छोटी दिवाली का दिन बस स्टार्ट किया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी जैसे प्रज्ञा है तो आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, दीदी को भी जानते हो। बंदूक रखी गई है अभी कर रहे अभी हम एक एक करके आपको अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमारे यहाँ पे फैमिली में कौन कौन है, नानी की फैमिली में। तो हम अभी थोड़ी देर में सबको मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पापा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी। अभी हम द्विवेदी हैं, पहले मैं शुक्ला थी, ये मेरे पापा हैं। एंड मैं तो बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी को मैंने आपको रात को भी मिलवाया था, लेकिन तब मम्मा ठीक से अंधेरे में दिखे नहीं होंगे आपको। ये है मेरी मम्मा, ये है, ये नानी का घर है जहाँ बच्चे आते हैं ना, ये नानी का घर है। नाना नाना का घर नहीं होता है, नानी का घर होता है। तो बच्चे हमेशा गाते हैं नानी के घर, वो सॉन्ग में भी यही गाते हैं, नानी के घर जाना है। बाकी हाँ, मेरी सिस्टर से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। अब मैं आपको अपनी एक और सिस्टर से मिलवाती हूँ, ये अभी बाहर खड़ी है। बेचारी सारे घर की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। अभी अभी पौधे लगाने में लगी हुई है। हाँ, तो आपको कैसा लगता है इतनी मेहनत करते हुए, घर का सारा काम करते हुए? एक्चुअली शी इज वर्किंग। तो अभी अभी बिल्कुल आज दिवाली, छोटी दिवाली है तो इस वजह से ऑफिस में से पूजा होती है। तो एक्चुअली शी इज HR इन हर ऑफिस, तो वो अभी अपने ऑफिस में सारा कुछ पूजा वूजा करवा के इवनिंग में आई है। लोगों को जॉब वगैरह चाहिए IT में तो वो कमेंट कर दो। देखिए, एक ये नया काम हमने स्टार्ट किया, ब्लॉग तो कर ही रहे, साथ साथ हम जॉब भी देंगे, जॉब्स भी देंगे आपको। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे ब्लॉग का, ये भी हो रहा है। राइट, पहाड़ों का व्यू तो हमने आपको बहुत दिखा दिया। अब ये हमारा जो एरिया जहाँ मतलब मेरी मम्मी का घर है, वहाँ का सारा व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा मतलब मम्मी पापा गाजियाबाद में रहते हैं, यूपी में। ये पूरा एरिया, आसपास सारी सोसाइटीज हैं। यहाँ का भी ना एक अपना अपना व्यू है, अपना एंजॉयमेंट है। जैसे यहाँ पे पूरी फैमिली रहती है तो उसके साथ एक अलग ही अच्छापन महसूस होता है। मतलब वहाँ पे हमारी जॉब है, सब कुछ है, तो उसकी वजह से हम लोग रहते हैं। वैसे तो पहाड़ भी बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ लेके हमें बहुत अच्छा फील होता है आगे की हमारी फैमिली हमारे साथ इस वक्त। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरी भाभी से नहीं मिले हैं, तो मैं आज आपको अपनी भाभी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी भाभी, इनका इसका नाम है, इसका नाम है इशिका। दीदी आप तो नैनीताल जाके मेरा नाम भी भूल गए। नहीं, मैं बोलने जा रही थी इनका नाम, फिर मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट में इसको नहीं दे रही हूँ। इसका नाम है इशिका। एक्चुअली हमारे सबसे छोटा, हमारा भाई हमसे सबसे छोटा है, तो ये उसकी वाइफ है। हम इसको चुराने के लिए भाभी भाभी करते हैं, वैसे नाम लेके बुलाते हैं। तो अभी लेकिन ये बहुत शिकायत कर रही थी, क्या हो गया भाई, किसी की शिकायत? ये देखो, मैंने इनसे दिवाली का सामान मंगाया है। और यू नो एज यूजुअल ऑल गाइस आर सेम, दो चीज बोलोगे तो एक ही लेकर आएंगे। ये लेकिन गणेश लक्ष्मी तो अच्छे लाए हैं, ये हर साल की शिकायत है। ये खुद जाती है तो ये हर चीज डबल लेके आती है। नहीं, सच है, ये खुद जाती है, हर चीज डबल लेके आती है। लेकिन मेरा भाई अगर वो गया तो इसे चार चीज बोली होगी तो वो एक ही लेके आएगा। दिवाली है, दिवाली में भी शॉपिंग ना करने जाओ तो उसका क्या मजा? इतनी कंजूसी दिखाना ठीक नहीं है दीपक, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद हम दीपक जी, जिनका आप इतना नाम सुन रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन ही करवाने वाले हैं। अब हम आपसे देखिए, ये शुभ दीपावली लेकर आए हैं। और जैसे कि अभी हम ये सब सुंदर सुंदर फ्लावर्स वगैरह सब सजाए हैं, और इनसे मैंने बोला कुछ लेके आना तो कह रही बस एक ही शुभ दिवाली तो एक ही बार देखोगे सब लोग। ये देखिए, अभी हम इसको सजाएंगे ना गेट पे। या अभी हम इसको गेट पे लगाने के लिए जा रहे हैं, हमको दिखाएंगे हम कैसे सजाएंगे। पहले हम आपको दीपक से मिलवा देते हैं, है ना? सब सोचेंगे दीपक 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 है। देर से आप लोग दीपक 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 सुन रहे हैं। दीपक कहाँ हो? दीपक फाइनली आपको हम दिखाई देते हैं कि आगे तो दीपक मामा है कौन, वर्ल्ड फेमस मामा। ये देखिए, ये सारे भांजो भांजियों में ये इकलौता मामा है। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, और दीपक आज का गाजियाबाद का मौसम का क्या हालचाल है दीपक? दीपक जी सुन ये हमारी फैमिली का कॉमन जोक है, क्योंकि इसके नाम से जो रिपोर्टर किया उन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस किया हुआ है। दीपक चौरसिया, दीपक चौरसिया जी, दिल्ली आज तक, दिल्ली ये वही है। वैसे मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, देख रहे होंगे आप लोग, दाढ़ी भी बना ली है। हाँ, पहले दाढ़ी रखता था मैं। हाँ,
तो अब दाढ़ी वाड़ी बना के हम दूसरा रिपोर्ट अब अर्नब गोस्वामी चल रहा है ना तो हम वही करेंगे। इंग्लिशन मोड सुनो इंडिया। अरे हैशटैग में डाल देंगे। और अभी इनके जीजा जी जो है वो बड़े सीरियस सीरियस मोड में बैठे हुए हैं कि सारे भाई बहन मिलकर कर क्या रहे हैं। आपका क्या व्यू दीपक जी के बारे में? देखा वो डर गए कि इस वक्त मैं अपने ससुराल में आया हुआ हूँ तो ज्यादा व्यूज दूंगा किसी के बारे में तो बीवी और दसाला और सारे लोग मिल गए हैं। क्या बात है, बहुत लाइटिंग। दिवाली खर्चा दिवाली हैप्पी दिवाली हो गई। इतना खर्चा इतना बजट बजट बहुत है। मेरी भाभी अब डेकोरेशन करनी इसने स्टार्ट कर दिया है। इसने शुभ दीपावली लगा दिया और ये फूल वगैरह लगा दिया। खुद भी प्रिटी प्रिटी लग रही है आज। वैसे भी अच्छी लगती है, आज भी लग रही है। तो ऑलमोस्ट डन हो गया ये डेकोरेशन और हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। राइट प्रतिष्ठा प्रभव में जाना चाहिए। तुझे मेरे को चीज बिल्कुल नहीं पसंद, जाम जा रही है। देखो इनकी इनकी लड़ाई नहीं खत्म होती हमारे घर में। 24 घंटे का कुछ ना कुछ चलता रहता है दोनों का। क्यों जवाब दो दीपक, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ कुछ होता है वही हमें नहीं समझना। हम लोग गोलगप्पे खाने गए थे, हमें इतना जाम दिखा रोड पे, हम लोग वापस आ गए। बाकी सब लोग नीचे ही हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। हम देखते सबका रिएक्शन क्या होता है क्योंकि सब हमारी बेइज्जती करने वाले हैं। गए थे गोलगप्पे खाने, मिला कुछ भी नहीं इनको। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, हमें गोलगप्पे खाने को नहीं मिले। टीका ने हमारे गोलगप्पे को नजर लगाई थी इसलिए हमें गोलगप्पे खाने को नहीं मिले। और शालू दीदी ने पूरा प्लानिंग कर दी थी कि इनको ना मिले क्योंकि मम्मी भी नहीं गई तो इसलिए हमें गोलगप्पे नहीं मिले खाने के लिए। तुम्हें कितनी खुशी हो रही है हमें गोलगप्पे नहीं मिले, हम वापस आ गए नहीं। बहुत बढ़िया हुआ, देखो कितने खुश हैं ये लोग। हाय लगेगी हमारी लोगों को की वजह से हमें भी गोलगप्पे नहीं मिले। लोग नीचे आए हैं अभी बच्चों को सोसाइटी में, थोड़े से इनको दिवाली शुभ करने की स्टार्ट तो थोड़ा बहुत तो दिखाती हूँ। तीनों हमारे घर के धुरंधर जो हैं ये देखिए फुलझड़ी जला रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन पटाखा होते हैं, इनको ग्रीन पटाखा कहते हैं ना, इसीलिए हमने अलाउड कर दिया। कोई बात नहीं जला लो, ये देखिए ग्रीन पटाखा। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। जरा पूरा आ रहा है अच्छे से। सोसाइटी में देखिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे घर में भी लाइट चमक रही हैं। और ये वंशी हमसे हमको भी पूछने आ गए कि आप भी जला लो फुलझड़ी, लेकिन हम बहुत आलसी लोग हैं, हम नहीं जा रहे हैं कुछ भी फोड़ने बम वगैरह, हम डरपोक लोग हैं। तो ठीक है वो दिवाली वगैरह में कोना पकड़ के, हाँ हम डरपोक लोग हैं तो हम कोने में बैठे रहते हैं, इसलिए हमारी खुशी दूसरों की खुशी में है। हाँ इनकी दिवाली अलग ही चल रही है, आज ही शुरू हो गई। आप वगैरह खाने के बाद हमने एक सादा भोजन बनाया है, रोटी है, आलू का भरता है जो कि ईशिका ने बहुत टेस्टी बनाया है, दाल है। आज हम लोग डिनर करने वाले हैं क्योंकि हमारा लंच भी हैवी था, उसके बाद हमने चापे भी खाई जैसा कि हमने वीडियो में दिखाया। तो अब बस हमारा डिनर टाइम है, उसके बाद आराम करेंगे सारे, फिर कल बनाएंगे बड़ी दिवाली।
तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं और हम आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो कल हम मनाएंगे बड़ी दिवाली, आज हमने मनाई छोटी दिवाली। पीछे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइट दिख रही है ना मंजू। हाँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खासी आगे खासी 100 सब्सक्राइबर्स का एम है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, पर जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो बाय बाय फ्रॉम K2V2 व्लॉग्स। बाय।